हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 29 अप्रैल 2019 की प्रीलिम्स एबिटर सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस, फिर देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो आया है आपके सामने ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2019 को लेके। हैं क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2019 है वो कौन पब्लिश किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश है, वो की गई है। तो देखो, जो ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2019 है ना, ये हम बात करें कि ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट ये हर साल पब्लिश की जाती है। कौन सा होगा इसका आंसर? ये पब्लिश की जाती है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ग्लोबल फूड पॉलिसी जो रिपोर्ट है वो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी है, वो हर साल की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रखना, FAO नहीं है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का राइट आंसर नहीं है, ऐसी गलती मत करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को लेके। हैं पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि 75वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1994 में बनाई गई थी। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसके चेयरपर्सन और जो मेंबर होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और रिकमेंडेशन दी जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, इसने पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट है ना वो इनकरेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि हमने लक्ष्मीकांत में पढ़ा है कि भाई नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल है ये, सॉरी नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, तो एक स्टेचुरी बॉडी है जो बनाई गई थी 1993 में, ना कि 1994 में। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो साफ साफ गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत क्यों हुआ? क्योंकि इसके चेयरपर्सन और मेंबर हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, इतना तो सही है। बट जो रिकमेंडेशन है वो एक 6 सदस्यों का पैनल होता है जिसके हेड होते हैं PM, और इसके साथ ही उसमें होम मिनिस्टर भी होते हैं, और फिर जो राज्यसभा है हमारी उसके जो उपसभापति होते हैं वो शामिल होते हैं, इसी के साथ ही अपोजिशन के लीडर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। तो ऐसे कुल मिला के 6 मेंबर होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं और उसके बाद में प्रेसिडेंट साहब हैं वो अपॉइंट है, वो कहते हैं मेंबर्स को। तो इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों गलत है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके। हैं पहला स्टेटमेंट आपके सामने है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं ये यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे, 2012 में रियो डी जनेरियो में, और वहाँ पे इनको अडॉप्ट है वो किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो एड्रेस करता है मल्टीपल इश्यूज को सराउंडिंग पॉवर्टी, मतलब गरीबी के आसपास के जो भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करता है। इसी के साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस करता है और अनइक्वलिटी यानी असमानताओं को फोकस करता है, और क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस है वो करता है। हमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो देखो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होंगे दोनों के दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो 2012 के अंदर जब यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे, रियो डी जनेरियो, ये कहाँ पे है, ये ब्राज़ील में है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहाँ पे इनको अडोप्ट है वो किया गया था। और इसी के साथ ही इनका मुद्दा रहता है कि भाई पॉवर्टी, देखो हमने पढ़ा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट हैं जिनमें हमने पढ़ा है कि मरीन रिसोर्स को भी प्रोटेक्ट करना है, गरीबी को उठाना है, भूखमरी को, तो वो सारे 17 टारगेट्स हमें ध्यान रखने हैं। स्टार्टिंग के मेन मेन तो देखो UPSC पूछ भी सकती है, तो वो उस तरीके से हमें क्लियर रखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी 2013 के बारे में। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई साहब ये लीगली बाइंडिंग है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये बेसिकली रेगुलेट करती है किसको, वेपन्स को जो कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में, मतलब जिनको इधर उधर भेजा जाता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में वेपन्स के फ्लो को रेगुलेट है वो करती है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया ने इसको साइन किया है और रेक्टिफाई किया है 2014 यहाँ पे। अब आप बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले एक बार थर्ड स्टेटमेंट को आप देखिए, अगर आपको पता हो तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे साफ साफ रहूँगा। क्यों? क्योंकि इंडिया ने ATT यानी कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है इसको रेक्टिफाई नहीं किया है, ना तो इसको साइन किया है ना इसको रेक्टिफाई किया है। बाकी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है कि जिस कंट्री ने इसको रेक्टिफाई कर दिया उसको बाइंडिंग है। इसके साथ ही सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। अभी देखो न्यूज़ में इसलिए थी कि USA ने इस ट्रीटी को मानने से मना कर दिया। USA ने जो ये ATT ट्रीटी है ना इसको साइन तो कर रखा है बट अभी तक रेक्टिफाई वो नहीं किया है। तो ये ध्यान रखना कि यूएस ने साइन किया था, रेक्टिफाई किया नहीं है, और यूएसए ने अब कहा नहीं भाई साहब ये हमारी सोवरेनिटी का उल्लंघन करी है वगैरह वगैरह वगैरह, जैसा आप जानते हो कि ट्रंप का आजकल कैसा मिजाज रहता है। तो इसीलिए भी न्यूज़ में आई है, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया ने इसको रेक्टिफाई नहीं कर रखा है ना ही साइन कर रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। वहीं UPSC पूछती कि कौन सा गलत है तो जाता ओनली 3। नेक्स्ट जो आज की हमारी पहली न्यूज़ है वही है मेरा इंडिया।
मेरा इंडिया की फुल फॉर्म है यहाँ पे मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस। तो देखो नाम से अब आपको समझ में आ गया कि मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए इंडिया से रिसर्च अलायंस है वो बनाया गया है। ये किसने मतलब लॉन्च किया है, ये डेवलप किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाता है कि मेरा इंडिया इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यह लॉन्च किया गया है ICMR, इनकी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। देखो आपको पता होगा कि हमारे देश में मलेरिया के काफ़ी सारे पेशेंट हैं। खैर वैसे देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पे काफ़ी सारे भी ट्रीटमेंट भी आए हैं, काफ़ी सारे ड्रग्स भी आई हैं, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए मलेरिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारे गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप भी उठाए गए हैं। बट नॉर्मली गवर्नमेंट का फोकस ये कि भाई साहब 2030 तक हमें इंडिया को मलेरिया फ्री घोषित करवाना है, यानी हमें मलेरिया को इंडिया से एलिमिनेट है वो करना है, और इसके लिए काफ़ी सारे एफर्ट हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ देखा जाए तो इंडिया के अंदर काफ़ी सारे केसेस हैं ना, उनमें कमी भी आई है। लगभग 80% केस है ना उनमें तो ट्रीटमेंट वगैरह हो भी जाता है। जैसे देखो डाटा दिया गया है यहाँ पे कि 2000 और 2000 अगर 18 की कंपेरिजन में हम देखें तो लगभग 80% जो लोग ऐसे हैं जिनको मतलब मलेरिया से कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज का बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिला है। इसके साथ ही यहाँ पे कहा गया कि मलेरिया से जो डेथ होती है 90% वो 2000, ये तो देखो डाटा तो इतना छोड़ो रटने लायक कोई चीज़ है नहीं, बस एक मोटा मोटा आइडिया अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। वैसे देखो मैंने आपको जैसे बताया कि गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि इंडिया को मलेरिया फ्री घोषित करना है 2030 तक, और इसके लिए नेशनल वेक्टर बोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम भी चलाया गया है जिसका मेन फोकस यही है कि हमें मलेरिया को जल्दी से जल्दी यहाँ से एलिमिनेट करना है इंडिया से, और इसके लिए काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने स्टेप भी उठाए हैं। अब कई बार UPSC कैसे पूछ लेती है कि मलेरिया को गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2025 तक हटाए, नहीं भाई साहब 2030 का टारगेट रखा गया है। देखो कुछ टारगेट्स ही हैं ऐसे कि 2025 2012, जैसे कि एक तो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है कि 2022 तक हमें 175 GW इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है रिन्यूएबल सोर्सेज से, तो वो टारगेट हमें पता होना चाहिए। बाकी नॉर्मली जो मैक्सिमम टारगेट है वो 2030 तक ही रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट हैं उनका लिमिट है वो 2030 ही रखी गई है, तो इसलिए मेनली फोकस वहीं पर रहता है, तो हमें इनका बारे में थोड़ा पता है वो रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रायोरिटी वॉच लिस्ट वो किसके द्वारा जारी की जाती है। पहला ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, USA, WTO वगैरह वगैरह। तो भाई साहब इसका सही आंसर होगा USA, कि USA के द्वारा प्रायोरिटी वॉच लिस्ट है वो जारी की जाती है। कंटेक्स्ट वैसे ही है कि इंडिया को USA ने प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल दी है। अब क्या है ये प्रायोरिटी वॉच लिस्ट वो हम देख लेते हैं, फिर हम थोड़ा बाकी इधर उधर की चीज़ें वो भी देखते हैं। देखो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट का मतलब ये है कि वॉच लिस्ट में आप एक से समझना, वॉच लिस्ट मतलब किसी भी चीज़ को वॉच लिस्ट में डाल देना, यानी उस पर निगरानी रखना कड़ी। USA का देखो सीधी सीधी बात यह कि इंडिया पे आरोप है कि इंडिया के अंदर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना इनका वॉयलेशन होता है, मतलब ढंग से उनको फॉलो नहीं किया जाता, जिससे USA की और ट्रेड में भी नुकसान होता है। अब देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करें, जैसे कि मान लो कॉपी राइट का एग्जाम्पल ले लो कि इंडिया के अंदर कॉपी राइट्स के रूल हैं वो सही ढंग से नहीं है, इंडिया उनको वॉयलेट करता है, इसके साथ ही ट्रेडमार्क के ले सकते हो, तो इस तरह के रूल रेगुलेशन है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो कहीं ना कहीं USA का मानना है कि भाई उनकी मतलब सोवरेनिटी बोल सकते हो या बोल सकते हो उनका ट्रेड उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो इसलिए USA क्या करता है, ऐसी कंट्रीज जो इस तरीके के स्टेप उठाती हैं उनको लगता है तो उनको एक वॉच लिस्ट में डाल देता है, फिर उन पे निगरानी रखी जाती है उन कंट्रीज पे, और एक तरीके से डायरेक्टली या बोल सकते हो कि इनडायरेक्टली उन पे प्रेशर बनाया जाता है कि वो कंट्रीज USA के साथ कोई ट्रीटी वगैरह साइन करें ताकि कोई भी मतलब USA की उसमें जीत, एक तरीके से सीधी बात हम बोले, यानी USA अपना हैंड ऊपर रखने के लिए नॉर्मली उस पर प्रेशर बनाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताकि USA अपनी तुत्ती बोलती रहे। तो कुछ इस तरीके के स्टेप इसमें नॉर्मली उठाए जाते हैं। तो भी इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाला गया है। फिर एक लिस्ट और भी होती है वॉच लिस्ट, तो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट होती है, फिर अगर उसमें भी कोई कंट्री मतलब USA का साथ नहीं दे रही है और ढंग से फोकस नहीं कर रही है तो फिर उसको वॉच लिस्ट में डाल दिया जाता है। एक रिपोर्ट भी है वो भी आपको ध्यान में रखना है, स्पेशल 301 रिपोर्ट, तो ये भी ध्यान रखना है USA के द्वारा प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के लिए ही जारी की जाती है, तो मेनली यही चीज़ हमारे लिए काम की है। बाकी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में होता क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जो डिफिशियंसीज होती हैं इनको लेके USA के द्वारा जारी की जाती है, तो ये ध्यान रखना है कि USA के जो ट्रेड रेगुलेटर होते हैं उनके द्वारा स्टेप है वो उठाया जाता है, USA के द्वारा डिसाइड होता है कि कौन क्या करेगा। अब देखो हम बात करें कि इंडिया को इसमें अभी डाला गया है, इससे पहले भी और कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हम बात करें चाइना को इसमें नंबर वन, मतलब चाइना नंबर वन पे है USA की नज़र पे। इसके साथ इंडोनेशिया को भी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाला गया है, रसिया को भी, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, तो ये ध्यान रखना है, टर्की हुआ, UAE हुआ, इन कंट्रीज़ को भी, पाकिस्तान को यून भी इसमें इंक्लूड है। तो बस ये कंटेक्ट ध्यान रखना कि प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कौन जारी करता है क्या। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है जीरो शेडो डे।
जीरो शेडो डे का मतलब क्या है पहले तो वो देखते हैं। देखो जीरो शेडो डे का साफ साफ मतलब ये है, जैसे मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये है सन यहाँ पे जस्ट सीधा, तो आपको पता है कि अगर सन की सीधी लाइट इस ऑब्जेक्ट पे गिरेगी तो होगा क्या, इसकी जो ये ऑब्जेक्ट है ना, इसकी छाया है, इसकी हम बात करें शेडो, वो नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि वो जस्ट इस पर्सन या इस ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे छाया बनेगी, तो वो नॉर्मली हमें एक तरह से दिखाई नहीं देगी, ये हम बोल सकते हैं कि बहुत ही छोटी दिखाई देगी, उसको बोलते हैं जीरो शेडो डे। तो देखो हर जगह ये एक दिन फिक्स नहीं होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में हर एरिया के अकॉर्डिंग ये दिन वेरी करता है कि वहाँ पे एक ऐसा दिन आता है। नॉर्मली साल में 2 दिन आते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सूर्य है वो करक रेखा और मकर रेखा के बीच में घूमता है, यहाँ से स्टार्ट होता है फिर करक रेखा तक आता है फिर वापस मकर रेखा तक आता है फिर करक रेखा तक फिर मकर रेखा तक। यूएसए का जो डायरेक्ट सनलाइट है वो इसी एरिया में मेनली चक्कर है वो लगाती है, हमने ज्योग्राफी में पढ़ाया। तो इसलिए करक रेखा से मकर रेखा के बीच में जो भी एरियाज आते हैं ना, वो साल में 2 ऐसे एरियाज आते हैं या साल में 2 ऐसे दिन आते हैं कि उन एरियाज पे जीरो शेडो डे है वो होता है। यूपीएससी ऐसे पूछ सकती है कि साल में एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे जीरो शेडो डे होता है? नहीं भाई साहब, 2 दिन। क्यों? क्योंकि एक बार तो सूरज वहाँ आएगा फिर वापस तो जाएगा, तभी तो होगा। जैसे मान लो कि ये एक एरिया है तो यहाँ पे पहले सन इधर से इधर आया तो एक तो ये यहाँ पे हो गया, फिर वापस जब सन ऊपर से नीचे आएगा तो भी यहाँ पे ये पॉइंट आ गया ना वापस जीरो शेडो डे वाला। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अगर हम सीधी सी बात करें इसका एक डायरेक्ट से मतलब ये भी हो सकता है कि जीरो शेडो डे का मतलब होता है कि उस दिन सूरज है ना वो उस देश में या उस एरिया के अंतर्गत डायरेक्टली ईस्ट में उगता है और ढंग से अच्छे तरीके से वेस्ट में है वो, मतलब राइज हम बोल सकते हैं एक तरीके से सनसेट है वो होता है। तो यह ध्यान रखना है इसके बारे में। बाकी जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेनली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही होता है करक रेखा मकर रेखा के बीच में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सूर्य की सनलाइट है वो इसी एरिया में गिरती है डायरेक्टली, ना तो सनलाइट है वो 23 डिग्री से ऊपर नहीं जाएंगी, ना ही इसे साउथ से नीचे वो जाने वाली हैं। तो यह चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। एक यहाँ पे पॉइंट है जेनिथ। ये क्या है जेनिथ? जेनिथ वो हाईएस्ट पॉइंट होता है स्काई में जहाँ पे सन की लाइट है वो मतलब डायरेक्टली अर्थ पे गिरती है सबसे ऊंचाई पे, तो वो ध्यान रखना है जेनिथ है क्या। बाकी कुछ काम का नहीं है जो मैंने आपको बता दिया कि जीरो शेडो डे का मतलब होता क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सदर्न रिवर टेरोपिन। पहली चीज़ ये है कि सदर्न रिवर टेरोपिन है क्या भाई साहब? ये कछुए या एक टर्टल की प्रजाति है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो इसका जो ट्रेड है वो मेनली इसके मीट के लिए और काफ़ी सारे जादू टोने टोटके में भी यूज़ है वो इसका होता है। ये जो सदर्न रिवर टेरोपिन है ना, ये मलेशिया इंडोनेशिया और कंबोडिया में पाया जाता है और अभी ये लुप्त होने के कगार पे पहुंच चुका है। बस ये कंटेक्स्ट था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो ध्यान रखना है। कहाँ पाया जाता है? साउथ ईस्ट एशिया में, मलेशिया इंडोनेशिया और कंबोडिया वाले रीजन में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यूके मॉडर्न स्लेवरी इनोवेशन फंड। पहला क्वेश्चन यहीं पे ऐसे बन सकता है कि जो मॉडर्न स्लेवरी इनोवेशन फंड है वो किसने जारी किया है? WTO, वर्ल्ड बैंक, इस तरीके से वगैरह वगैरह यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती है। तो ध्यान रखना है यूके के द्वारा स्टेप उठाए गए हैं। इसको आप देखो ऐसे याद रख सकते हो कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी 1.0 से, वहाँ से तो सबसे पहले मॉडर्न स्लेवरी के कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था? यूके जैसी कंट्रीज से आया था। क्यों? क्योंकि उनको जो एक तरीके से हम बात करें कि चाय के बागान वगैरह होते थे, गार्डन, वहाँ पे उनको लेबर की ज़रूरत होती थी और वहाँ पे मॉडर्न स्लेवरी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सामने आया था। तो एक तरीके से यूके के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि यूके के द्वारा इस तरीके के स्टेप उठाए गए थे पहले स्लेवरी को लेके, तो अभी उन्होंने जो मॉडर्न स्लेवरी है इसको मतलब ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप उठाए हैं और फंड है वो डेवलप किए हैं। लगभग 4 मिलियन पाउंड का यह फंड है, ध्यान में रखना है। इसका मोटो क्या होगा? इसका देखो मेन 6 ऑब्जेक्ट रखे गए हैं। ऑब्जेक्टिव एक तो ये है कि रिड्यूस वल्नरेबिलिटी एंड सॉरी वल्नरेबिलिटी टू एक्सप्लोइटेशन, मतलब उनको जो मॉडर्न स्लेवरी है लोग जो स्लेव हैं इनको एक्सप्लोइट ना किया जाए और इनको कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेट है वो किया जाए। इसके साथ ही विक्टिम सपोर्ट एंड रिकवरी स्कीम चलाई जाएगी। इसके साथ ही इम्प्रूव ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, इसके साथ ही इम्प्रूव लॉ लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी, और इसके साथ ही इनकोर्स रिस्पॉन्सिबल बिजनेस एंड स्लेवरी फ्री सप्लाई चेन्स, और इसके साथ ही इम्प्रूव द एविडेंस बेस। तो देखो ये रटने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न स्लेवरी इनोवेशन फंड है क्या। मोटो यही है कि सबसे ज़्यादा स्लेवरी कहाँ पे होती है? साउथ अफ्रीका वाले एरिया में ज़्यादा होती है, इसके साथ इंडिया में भी है कुछ एरिया में, तो उन एरिया में ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे ताकि वो एंटी स्लेवरी हो, मतलब जो स्लेव लोग होते हैं उनके अगेंस्ट हो और कहना कि उनको इसका बेनिफिट मिल सके, और इसीलिए यूके के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट है वो किया गया है। आज की जो लास्ट न्यूज़ है वो आई है काफिला। क्या है काफिला वो हम देखते हैं। देखो मेनली यह एक काफ़ी मतलब विवादित रहती है वैसे तो एग्जिट वीजा प्रणाली है। होता क्या है इसमें वो देख लेते हैं। इसमें होता यह है कि जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये मान लो कि इराक है, इराक कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं मेनली। देखो होता क्या कि बाहर के से मान लो कि इंडिया से कोई लेबर है
वो इराक जा रही है। अब होता है कि जो ही वो इराक में से मान लो किसी एक कंपनी में काम कर रही है, तो एक कंपनी में अगर वो काम कर रही है, इसके बाद उस लेबर को ऐसा लग रहा है, उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई मैं दूसरी कंपनी में जाऊं, तो होता इसके लिए वहां पे रूल होता है कि भाई साहब वो एक कंपनी जब तक उसे परमिशन नहीं देगी तब तक वो बी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकता। मतलब जिसने उसको जॉब दिया है, जिसके थ्रू वो वहां पे गया ना, उसकी परमिशन के बिना वो कहीं और जॉब वगैरह नहीं कर सकता। पहले उसे परमिशन लेनी होगी जो भी उसका ओनर है वहां पे उस कंपनी का, या जिसके थ्रू वहां पे गया है। जब तक वो परमिशन नहीं देगा तब तक वो दूसरी कंपनी में या कोई दूसरा जॉब नहीं कर सकता। तो होता क्या है, इससे जैसे कि वर्करों को ये मान लो कि इंडिया से ले गए इराक में, फिर वहां पर उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको सैलरी कम दी जाती है, उनको खाना टाइम पर नहीं दिया जाता वगैरह वगैरह इश्यूज होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वर्कर देखते हैं कि नहीं यार हम दूसरी कंपनी में चले जाएं, बट जो काफिला रूल होता है या एक जो वीजा प्रणाली होती है इसके तहत क्या होता है कि वो दूसरी कंपनी में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो इस एक कंपनी के थ्रू ही यहाँ आए हैं, तो पहले एक कंपनी उनको परमिशन देगी कि हाँ भाई साहब अब आप देश छोड़ सकते हो। इवन अगर उनको वापस इंडिया आना है तब भी उनको एक कंपनी से परमिशन लेनी होती थी। तो ऐसी कठोर रूल होते थे और इसी के लिए इसको बोला जाता था काफिला प्रणाली। और अब इसको कतर ने एग्जिट है या कतर ने इसको खत्म करने का निर्णय लिया है। रीज़न यह है कि कतर में 2022 में फुटबॉल का आपको बताया कि टूर्नामेंट होने वाला है, तो इसलिए कतर चाहता है कि थोड़ी इंटरनेशनल अपनी वैल्यू भी बनी रहे। और इसी के साथ ही वहाँ पे काफ़ी सारे अभी वर्कर्स की ज़रूरत है और वर्कर्स वहाँ पे जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इस काफिला रूल के तहत, तो इसीलिए उन्होंने थोड़ी अपनी पॉलिसी है वो रिबल की है। ये ध्यान रखना काफिला जो रूल है वो अकेले कतर में ही नहीं है, जो गल्फ कंट्रीज हैं जैसे कि यूएई है, इसके सऊदी अरब हुआ, ईरान, इराक, लीबिया, ऐसी इन कंट्रीज़ में भी ये रूल मेनली फॉलो है, वो किया जाता है। मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है इसमें कि जो भी भाई बाहर का श्रमिक है उसको पहले परमिशन लेनी होती है वगैरह वगैरह। तो नॉर्मली इसको जो एमनेस्टी एक इंटरनेशनल जो एक एनजीओ है जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, उसने ये बोला कि भाई साहब ये आज के टाइम पे मॉडर्न डे स्लेवरी है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।